देखो जो कच्चे उस पर आया है और जो ऐतराज थे वे उन्होंने उन ऐतराजों को वापसी ले लिया, जो किसानों ने अपनी बात कही थी उन्होंने मान ली। कल उस पे पक्के पेपर पे वो चीजें आ जाएं और जिस तरह से आंदोलन का समापन हुआ है उस तरह से आंदोलन का समापन हो, वो दो चीजें रह रही है। वो पांच लोग हमारे हैं वे जाएंगे पूर्ण रूप से बातचीत उनसे करेंगे और पक्के पेपर वे आएंगे तो उसके बाद ही समापन कर उसका घोषणा हो। सरकार ने खुले मन से इस वार्ता को आगे बढ़ाया, आपकी भी कहीं कहीं जिम्मेदारी बनती है? हाँ, तो जिम्मेदारी क्या, क्या आप खुले दिल से आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा ना कि जो हमारी डिमांड थी वे करीब करीब से नजदीक आ रही है, उस पर सहमति बन गई है। अब पेपर पर उसको और उतार लो। तो अब उम्मीद करें कि रास्ते खुल जाएंगे और जो सरकार ने आपके जो पक्ष को सुना उसे आप भी खुले मन से अपने घर। हम तो कहते रहे कि कल जाओ कागज कुगज बनाए के अपने करो साइन बैठ के। कल जे कागज आगे तब फतेह मार्च का ऐलान हो सकता है? फतेह मार्च का ऐलान कल बताऊंगे जब कागज हमारे हाथ भी आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे तो करेंगे। कुछ केसेस सरकार कह रही नहीं नहीं हूँ, पूरी सहमति बन गई, चाहे वो 26 वाले हों चाहे जड़े भी मर्जी केस सब होंगे। सारे एमएसपी कह रहे थे बाकी संगठन पावांगे कि हो गया नहीं संगठन और नहीं होंगे एसकेएम के बंदे होंगे। नहीं नहीं अभी कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, दूसरे लोग भी उसमें रह सकते हैं, कौन रहेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि उसका डाटा रहना चाहिए कि कौन लोग की विचारधारा क्या है उनका पता रहना चाहिए। इस चीज की पुष्टि करोगे कि वो लोग वही हों जेड़े किसानों के समर्थक हों वो ना हों? वो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वही लोग रहे। एसकेएम की भूमिका होगी? एसकेएम तो है, था और रहेगा सरकार के पूरे इन फैसले। हाँ, पूर्ण रूप से इंटरफेयर रहेगा एसकेएम। मोर्चा सस्पेंड होएगा कि खत्म होएगा कि मतलब वापस खड़ा हो सकता है मोर्चा की सरकार आने का नहीं कुछ कर दिया तो क्यों नहीं होगा? सरकार आने का नहीं करेगा फिर होगा। हाँ, सरकार को वार्निंग दे नाल मोर्चा फतेह करोगे? हाँ बिल्कुल, वार्निंग के साथ, वार्निंग के साथ।